हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टॉक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से स्कीम 1992 आई है तब से छोटे से लेके बड़े हर कोई इंसान को शेयर मार्केट में से पैसा कमाना है। लेकिन फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आज हम बात करेंगे कि क्या हम स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं यानी शेयर की ले बेच करते हैं, क्या उसके ऊपर भी हमको कोई इनकम टैक्स देना होता है या नहीं, और इनकम टैक्स देना होता है तो कितना परसेंटेज हमको गवर्नमेंट को भुगतान करना होता है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि क्या ट्रेडिंग को यानी शेयर की ले बेच को एज ए बिजनेस इनकम आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं या नहीं। और फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के दौरान हमको जो प्रॉफिट होता है उसमें कितनी अमाउंट तक गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना होता है। और फ्रेंड्स, शेयर मार्केट की इनकम से हम गवर्नमेंट को किस तरह से टैक्स देने से बच सकते हैं, यह बातें भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो तो तुरंत ही मेरे चैनल लॉजिकल स्टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो ऐसी वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो अगर आपने आज कोई शेयर में निवेश किया और उसी शेयर को आपने के बाद आज ही के आज बेच देते हो या कल बेचते हो या 6 महीने के बाद आप उसकी बिक्री करते हो तो आपको उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है। अगर आप वही शेयर 12 महीने के बाद यानी आज आपने खरीदा और आज के दिन से 12 महीने के बाद आप उसको सेल करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। यानी 12 महीने के ऊपर अगर कोई डेट हो गई उस डेट पे आप सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है यह भी हम जानेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमको गवर्नमेंट को 15% टैक्स देना पड़ता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% गवर्नमेंट को भुगतान करना होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने 50,000 रुपये के आज कोई शेयर परचेस किए और वही शेयर आपने 12 महीने के भीतर यानी 12 महीने के अंदर कभी भी आपने सेल कर दिया, यानी वह 50,000 रुपये का शेयर आपने 60,000 रुपीज में सेल किया, यानी जो डिफरेंट अमाउंट हुई 10,000 रुपीज, उसके ऊपर आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने वो 50,000 रुपये का निवेश जो आपने आज किया था वो 12 महीने यानी आज के डेट से 12 महीने के बाद आप सेल करते हो, यानी उस सेल पे आपको 50,000 रुपये का 1,00,000 रुपया मिलता है, तो आपको वो 50,000 रुपये डिफरेंट अमाउंट हुई उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,00,000 रुपीज तक के एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दी हुई है। यानी 1,00,000 रुपये तक का प्रॉफिट पे ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और 1,00,000 के ऊपर जो प्रॉफिट हो उसके ऊपर आपको 10% का भुगतान करना होगा। और फ्रेंड्स, आपने अगर 50,000 रुपये आज निवेश किया, अगर वो फ्यूचर में 12 महीने के बाद उसकी कीमत 2,00,000 रुपये हो गई तो जो डिफरेंट अमाउंट हुई 1,50,000, उसमें 1,00,000 रुपीज तक तो एग्जेम्प्ट है, बाकी की जो 50,000 रुपये की डिफरेंट अमाउंट रही उसके ऊपर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भुगतान करना होगा। आप बहुत छोटे ट्रेडर हो, आप नॉमिनल अमाउंट ही शेयर मार्केट में निवेश करते हो। अगर ये अमाउंट पे से आपने जो प्रॉफिट कमाया, अगर वो प्रॉफिट आपने पूरे साल में 2,50,000 से कम कमाया, यानी उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी अदर इनकम 1,00,000 रुपीज है और आपने शेयर मार्केट में से 1,50,000 रुपीज अर्न किया तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि 2,50,000 की इनकम तक गवर्नमेंट ने हमको एग्जम्पशन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, हमको हर बार शेयर मार्केट में से प्रॉफिट ही नहीं मिलता, कई बार हमको लॉस का भी सामना करना होता है, लेकिन इस लॉस के दौरान हमको गवर्नमेंट को टैक्स देने से कैसे बचा जा सकता है यह भी हम जानेंगे। इसको फ्रेंड्स, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर ये साल में आपको 2,00,000 रुपीज लॉस हुआ, यानी स्टॉक मार्केट में आपको 2,00,000 रुपीज का लॉस हुआ, अगर और अगले साल आपको 3,00,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हमको 3,00,000 रुपीज के ऊपर टैक्स देना होगा? फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये 2,00,000 का जो आज के दिन लॉस हुआ, यानी इस साल में जो आपको लॉस हुआ, उस लॉस को आप 8 साल तक बिता सकते हो, यानी आने वाले 8 साल तक गवर्नमेंट में हम ये 1,00,000 रुपीज के लॉस को बिता के उसका सेट ऑफ ले सकते हैं। यानी इस साल हमको 1,00,000 रुपीज का लॉस हुआ और अगले साल हमको 2,00,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो हमको 1,00,000 रुपीज का सेट ऑफ मिलेगा, और ओनली 1,00,000 रुपीज के ऊपर ही हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पेड करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आईटीआर बनना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इसी साल आईटीआर में 1,00,000 रुपीज का लॉस बिताया होगा तभी आपको अगले साल आपकी शेयर मार्केट की इनकम पे हमको सेट ऑफ मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने आईटीआर में आपका लॉस क्लेम ही नहीं किया तो अगले साल आपको भले ही 2,00,000 का प्रॉफिट हो तो 2,00,000 के ऊपर ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पेड करना होगा, उसके दौरान आपको कोई भी जगह सेट ऑफ नहीं मिल सकता।
सो फ्रेंड्स, आपको अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपीज से कम हो तब भी आपको ITR भरना होगा अगर आप आपके लॉस का फ्यूचर में सेट ऑफ चाहते हो तो। ये काफी फायदे की बात है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि हम ट्रेडिंग को यानी शेयर की लेप बेच को एज अ बिजनेस इनकम बिता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ओनली उनका यही काम होता है कि शेयर को खरीदना और बेचना, उनका कोई लीगल बिजनेस नहीं होता। क्या हमको इसको बिजनेस इनकम थ्रू बिता सकते हैं? उसके लिए फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में ओनली इंट्राडे या FNO में ट्रेडिंग करते हो, यानी आपका फुल टाइम इंट्राडे और FNO को देते हो, तब आप इसको एज अ बिजनेस इनकम शो कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी एक कंडीशन है, आपको यह ट्रेडिंग को यानी यह इंट्राडे ट्रेडिंग और FNO को अगर आपने एक बार बिजनेस इनकम शो किया तो आने वाले साल में भी आपको इसको बिजनेस इनकम ही शो करना होगा। इसके ऊपर टैक्स का भुगतान आपको स्लैब रेट के हिसाब से देना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे एंड FNO नहीं करते फुल टाइम और आप इक्विटी में भी और डिलीवरी में भी ट्रेड करते हो तो आप इसको एज अ बिजनेस इनकम शो नहीं कर सकते। आपको इसको एज अ कैपिटल गेन शो करना होगा, यानी इसके ऊपर 15% और 10% के हिसाब से ही आपको टैक्स का भुगतान करना होगा। और अगर फ्रेंड्स आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस शो करते हो तो उसके लिए आपको ITR 3 फाइल करना होगा। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग को ये आपको मैंने जो आज बताया उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो हमेशा सोचते रहते हैं क्या ये मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसके ऊपर मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा या नहीं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयरिंग कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस पार्टनर्स के साथ मैक्सिमम शेयरिंग कीजिएगा, जिससे सभी लोगों को ये समझ में आ जाए कि हमको इनकम टैक्स किस तरह देना होता है। सो फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको बहुत ही काम आया होगा। और इसी वीडियोस के अपडेट के लिए मेरे चैनल लॉजिकल स्टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स।